नमस्कार, मैं वरुण बाबुल और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज का एक छोटा सा क्लिप वीडियो। हमारे साथ है अमित कुमार, क्रेडल पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के निर्देशक। और हाल ही के दिनों में एक मैसेज जो है लोगों तक पहुंचा है पढ़ाई के संदर्भित, आइए इनके बारे में थोड़ा विस्तार से जाने, कम समय में अधिक जानकारी हो जाए। स्वागत है आपका अमित जी हमारे इस छोटे से क्लिप वाले वीडियो में। मैं जानना चाह रहा हूं कि ये किस तरह की पढ़ाई है जो अभी बच्चों को मिलने वाली है नौगछिया के क्षेत्र में, और क्या क्या चीज इससे होना है। देखिए, हमारा ग्रामीण परिवेश, जैसा कि आपके न्यूज के माध्यम से भी हम लोग नित्य जानते हैं, अभी भी हमारे समाज से एक बच्ची दरोगा बन गई। हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा है, हमारे प्रतिभा हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है, लेकिन केवल नौगछिया से बाहर ना जा सकने के कारण वो प्रतिभा मर जाती है। उसको जीवंत करने के लिए मैंने एक पहल करी है कि शिक्षा क्रांति नाम से एक हमारी टीम है, जो IITN सारे BHU के प्रोडक्ट्स हैं, उन लोगों की एक पूरी टीम यहाँ पे नौगछिया में IIT मेडिकल की तैयारी के लिए यहाँ पे क्लासेस देने जा रही है, जिससे कि हमारे बच्चे एक बड़ा स्वप्न देख पाए कि वो डॉक्टर बनना चाहते हैं नौगछिया में बन सकते हैं, नौगछिया की भूमि में रह के बन सकते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं नौगछिया की भूमि में रह के पढ़ सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है, गार्जियन को कभी भी, ये जो कोरोना काल ने दिखला दिया कि जो बेटा विदेश गए वो चिंता फिक्र लेके ही आ रहे हैं और कुछ नहीं है, तो हमको लगता है कि इससे बड़ी बात नौगछिया के लिए नहीं हो सकती है, और आप लोगों का और तमाम नौगछिया वासियों का सहयोग वांछनीय है। एक अंतिम में बस एक सवाल होगा कि आज भी लोग डरते हैं कोरोना समाप्त होने के बाद भी कि पता नहीं कल क्या होगा, क्योंकि एक साल के बाद दूसरे साल जब कोरोना ने तबाही लाई तो लोगों में डर निश्चित रूप से आ गया। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या घर रहकर या गांव में रहकर, नौगछिया में रहकर, भागलपुर में रहकर बड़े शहर के तर्ज पर पढ़ाई की जा सकती है क्या? यही हमारा विजन, हमारे प्रधानमंत्री महोदय का भी विजन है, उन्होंने स्मार्ट सिटी बनाई है, भागलपुर को चुना है। इसका मकसद ये है कि वो ग्राउंड तक काम करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि दिल्ली दिल्ली ना रह करके दिल्ली के आसपास का जो गांव है वो दिल्ली बन जाए, हमारा भागलपुर दिल्ली बन जाए, कि हमारे भागलपुर में मेडिकल कॉलेज है और अब अगर सुविधा बन जाएगी, अभी आपने सुना होगा कि PG की पढ़ाई की इजाजत मिल रही है, अभी वहाँ मेडिकल कॉलेज में और भी बहुत सारे विशेषज्ञ चीजों की पढ़ाई हो रही है, बिल्डिंग्स बन रहे हैं, तो यही ध्येय है। क्यों मतलब हम लोग एक भीड़ किसी शहर को जाके भरने से अच्छा अपने गाँव को शहर बना देना। क्या बात है, आपने सुना होगा निश्चित रूप से, कलाकारों से कहते हैं कि एक कलाकार को कभी स्वर्ग नसीब नहीं होता, वो जहां पहुंचता है उसे स्वर्ग बना देता है। शायद यही कहावत और यही पंक्ति शायद चरितार्थ होने वाली है, क्योंकि नौगछिया हमारा जो है वो कहां पहुंच सकता है ये आपको अंदाजा हो ना हो, लेकिन ये याद रखें कि दिल्ली दूर नहीं है तो नौगछिया भी दूर नहीं है।